वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके जनरल साइंस में से केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉप 20 एमसीक्यूज। तो इस पूरे टॉपिक को हम इन एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक में से तो केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एसआई फाइनेंस का एग्जाम आ रहा है उसमें तो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने आपको पता है एटम में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उन तीनों की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, किसने डिस्कवर किए ये भी पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बाय एन एक्सपेरिमेंट। इन जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम भी आपको आना चाहिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको पूछ ले कि कैथोड रेज किसने इन्वेंट की थी तो वो भी आप क्या बोलोगे, जे जे थॉमसन, ठीक है। कैथोड रेज आर नथिंग बट अ नेगेटिवली चार्ज रेज, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन्स ही थे, ठीक है, जिनको पहले, क्योंकि पहले नाम कैथोड रेज दिया जे जे थॉमसन ने, ठीक है, बाद में नाम इलेक्ट्रॉन दिया था उनको। सिमिलरली अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन आपका इन्वेंट किया था गोल्डस्टीन ने। सो ये प्रोटॉन जो इन्वेंट किया था वो किया था गोल्डस्टीन ने, और जो न्यूट्रॉन है वो किया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और रदरफोर्ड इन्वेंटेड दी डिस्कवर दी न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया था, गोल्ड फाइल ली थी, गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाया था। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं याद रखना, अगर हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर जाए, ठीक है, तो टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसको हम बोलते हैं, हीलियम के इस आयन को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इट मींस अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो हीलियम में होते ही दो इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2, तो इलेक्ट्रॉन दोनों तो रिमूव हो गए, तो क्या बचा, बचेगा सिर्फ न्यूक्लियस। तो इसको हीलियम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, इसको डबल आयनाइज्ड हीलियम आयन भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को जब इंसिडेंट करवाया गोल्ड फाइल पे, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बोला अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे रदरफोर्ड ने, कि जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो पास हुए थे गोल्ड फाइल से वो डिफ्लेक्शन के बिना ही पास हो गए थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई थी उनमें, ठीक है। इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम में होती है वो एम्प्टी होती है, वो आज हमें पता भी है, एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होती है और छोटी सी स्पेस में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, यही चीजें बताई थी रदरफोर्ड ने बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, टोटल जो मास और पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में लाइक करता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये कुछ पॉइंट्स थे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिए हुए हैं, आर पेयर्स ऑफ, तो पहले ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो यहाँ पे उसका लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं उसका मास नंबर, या यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं ऊपर वाली तरफ मास नंबर लिखते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये इज इक्वल टू होता है जितने भी उस एटम में क्या होगा, प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये तो बेसिक है, ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देख लो आज, इसको याद कर लो, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन अगर एक न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको भी हम एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। कंडीशन ये है, ये सेकंड डेफिनेशन की कंडीशन ये है कि न्यूट्रल एटम होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल हीलियम का एक न्यूट्रल एटम है, तो उसमें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, इसलिए वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी चेंज। जब हम आयन लिखते हैं तो क्या लिखते, फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास एलिमेंट है, मैंने उस पर प्लस का साइन डाला, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, नेगेटिव चार्ज कम हो गया मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये दोनों डेफिनेशन तभी आप बोल सकते हो अगर न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल एटम इन जनरल अगर डेफिनेशन है तो जनरल डेफिनेशन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट इन एन न्यूट्रल एटम वी कैन आल्सो डिफाइन एटॉमिक नंबर एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर आपका होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लिया आपने, इलेक्ट्रॉन्स का भी तो मास होगा, टोटल एटम में 3 अगर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो तीनों का मास ऐड करो तो टोटल मास आएगा। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं लेते, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच लेस देन दी मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो मास नंबर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वली होता है, ठीक है। सो मास नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इट मीन जो भी एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। सो दो चीजें समझ गए आप, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर अब मेरे पास आपको एलिमेंट है तो एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, यह आ गया एलिमेंट, तो नीचे उसका लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहां पे जेड, और ऊपर यहां पे लिखते हैं मास नंबर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे आ गया एटॉमिक नंबर और यहां पे मास नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट होता है, नीचे हम लिखते हैं हमेशा एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं क्या, मास नंबर।
मीन्स अगर आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 7 है, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। इसका मास नंबर 14 है, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम जो है वो 14 है। अगर दोनों का सम 14 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, दैट मीन्स जो ए माइनस जेड जो आएगा, ए मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर माइनस करोगे वो आपको देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये भी याद रखना, वो आपको क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। जेड रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए रिप्रेजेंट्स द मास नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मैं ए में से जेड को माइनस कर देता हूं, तो देखो ए आ गया, ये इसमें से जेड को किया माइनस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो माइनस हो गया, बचेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वही मैंने लिखा ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये छोटी छोटी बातें तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ये तो बेसिक है केमिस्ट्री का। अब आते हैं हम आइसोटोप्स किसको कहते हैं, आइसोबार्स किसको कहते हैं, आइसोटोन्स किसको कहते हैं। सो आइसोटोप्स ऐसे एटम्स को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर सेम नहीं होगा। ऐसे भी हमारे पास एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम होते हैं बट उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स की एग्जांपल बता रहा हूँ, आइसोटोप की डेफिनेशन समझ गए, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, 2 एंड हाइड्रोजन 1, 3। ये 3 आइसोटोप होते हैं किसके, आपके हाइड्रोजन के। ये जो पहला है देखो, इसमें मैंने नीचे 1 लिखा, दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर 1 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, तीसरे का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। इन तीनों को जब आप कंपेयर करोगे, यू विल गेट टू नो दैट दी ऑल ऑफ दीज हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यही डेफिनेशन होती है आपके आइसोटोप की, आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग दी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इस केस में मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, तो अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हो जाएंगे, और मास नंबर अगर 1 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हम ए में से जेड को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ये वाला नंबर है ना, क्योंकि ये मास नंबर होता है ना। सो 1 - 1 करेंगे 0, इट मीन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन्स की, इसमें प्रोटॉन तो 1 है बट न्यूट्रॉन्स भी 1 है, ठीक है। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा ना, यहाँ पे प्रोटॉन 1 है आपका, इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है। न्यूट्रॉन कैसे आएगा, ए माइनस एड करके, ठीक है, जैसे मैंने बताया 3 - 1 करोगे सॉरी 2 आ जाएगा। तो ये इसमें तो जो आइसोटोप्स होते हैं इन जनरल, आपको यहाँ से आप समझ में आ गया होगा, उसमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है, डिफरेंस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, डिफरेंस किसका होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन तो सेम रहेंगे बिकॉज देखो तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, तो हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम एटम में सेम ही रहते हैं, पर न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है ना वो चेंज हो सकता है। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे इस आइसोटोप में 0 होता है, इस आइसोटोप में 1 न्यूट्रॉन होता है, इस आइसोटोप में 2 न्यूट्रॉन होता है। इन आइसोटोप्स के नाम भी होते हैं, जो हाइड्रोजन 1 है उसको हम सिंपली प्रोटियम भी बोलते हैं, या उसको सिंपल हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। जो ये हाइड्रोजन 1, 2 है इसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, और ये जो हाइड्रोजन 1, 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। सो आइसोटोप समझ गए, आइसोटोप क्या आ गया, दी एलिमेंट्स ऑफ दी एटम्स ऑफ दी सेम एलिमेंट हैविंग दी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सिमिलरली कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, ठीक है, कार्बन 12, 13, 14 तीन आइसोटोप्स होते हैं। सिमिलरली क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, तो जितने भी आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की, जो इंपॉर्टेंट है 3-4, ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आपका आ जाता है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स किसको बोलते हैं, आइसोबार्स ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो जस्ट अपोजिट करना आपको आइसोटोप्स का, तो आपको आइसोबार्स मिल जाएंगे। आइसोटोप क्या था, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका उल्टा कर दो, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने वाला है तो इसलिए एटम्स सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आएंगे, ठीक है। द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो जो आपका एटम है वही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी एग्जाम्पल आइसोबार्स की, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। देखो दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, एक कैल्शियम है एक पोटेशियम है, डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो एटम भी डिफरेंट होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, बट दोनों का मास नंबर जब देखोगे, देखो दोनों का मास नंबर सेम है। तो ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स। अगर मैं इसमें आपको पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आप बोलोगे 19, अगर पूछो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो माइनस करोगे दोनों को, 40 - 19 - 21। इसमें पूछो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 20, इसमें पूछूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वो कितना जाएगा, 40 - 20 विच इज 20, ठीक है। देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, सेम क्या, सेम है मास नंबर, सेम है। इन दोनों को सम जो करोगे ना, इन दोनों को सम करते हैं वही तो आता है आपका क्या, मास नंबर। 19 + 21 करेंगे वो भी 40 आएगा, 20 + 20 करेंगे वो भी 40 आएगा, तभी यहाँ 40 लिखा हुआ। सो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन एंड पोटेशियम,
जो होते हैं वो आइसोटोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड पोटेशियम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है, सो इसमें नंबर एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, तो 19 यहाँ पे आ जाएगा। क्लोरीन का जो मास नंबर होता है दैट इज 37 और पोटेशियम का मास नंबर इज 39। ठीक है, मतलब ये हम आइसोटोप ले रहे हैं, क्लोरीन का एक आइसोटोप है, ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है। सो यहाँ पे देखोगे आप एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट सेम क्या है, मैंने क्या बोला आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, ए में से जेड को माइनस करेंगे, सो 37 माइनस 17 करोगे यू विल गेट 20। सो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 20, 39 में से 19 माइनस करोगे तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 20। तो अगर दो एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, दो डिफरेंट एटम्स में, दो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है देन दे आर नोन एज आइसोटोप्स। तो तीनों समझ में आ गया, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोटोन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। अब पूछा क्या हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे क्या ये आइसोटोप्स हैं कि नहीं। आइसोटोप्स के लिए सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है। ठीक है ना, तो भूल जाओ आइसोटोप्स तो नहीं है। आइसोबार्स के लिए सेम मास नंबर होना चाहिए और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट यहाँ पे मास नंबर भी डिफरेंट दिया हुआ है तो ये आइसोबार्स भी नहीं है। तो अब चेक करते हैं आइसोटोन्स के लिए, आइसोटोन्स के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होना चाहिए, वो कैसे निकलते हैं, ये ए में से जेड को माइनस करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो 15 माइनस 7 करोगे यू विल गेट 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें फर्स्ट वाले में 8 आ गए, 16 माइनस 8 करोगे तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आ जाएंगे। सो दे आर दी एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। क्वेश्चन नंबर 3, एन अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज, मैंने अभी बता दिया अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम एटम में से अगर दो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर जाए दैट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम जो होता है उसको हम बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इट इज अ डबली चार्ज हीलियम आयन, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकोरेक्ट, तो अबाउट द इलेक्ट्रॉन बताना है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो ठीक है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज द बेसिक कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल द एटम्स, यस बेसिक कंस्टिट्यूट है, बेसिक कंस्टिट्यूट मींस ऑल एटम्स में ये अवेलेबल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो होता है हर एक एटम में। ठीक है, सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो यही आपकी स्टेटमेंट गलत है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन के इक्वल नहीं होता। ये आपको देखो कंफ्यूज करने की कोशिश कर, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। आपने एक स्टेटमेंट बार बार पढ़ी होगी मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसको यहाँ पे मिक्सअप किया इसने, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल दे दिया, तो जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना, इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के इक्वल नहीं होता, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के मुकाबले में बहुत कम होता है, कितना कम होता है वो भी एमसीक्यू आएगा। ठीक है, इट इज अ कंस्टिट्यूट ऑफ कैथोड रेज, तो ये भी ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है कैथोड रेज का, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सो सी पार्ट इज द रॉन्ग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज वेरी मच लेस देन द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जैसे जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सिमिलरली गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एनोड रे, तो एनोड रे के बारे में पूछा, तो एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। ठीक है, कैथोड रेज के बारे में क्योंकि इन्हीं को प्रोटॉन बोला बाद में। ठीक है, और कैथोड रेज का पूछा तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज रेज, उसी को फिर इलेक्ट्रॉन बोला बाद में, एनोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय, अगर पूछा तो उसका आंसर भी गोल्डस्टीन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको हम एक्जैक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, बस उसका एक ऑर्डर मेजर किया हुआ है, वो कितना है, वो होता है 10^-15 मीटर, 10^-15 मीटर होता है, ये याद रखना आपको, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है वो इस ऑर्डर का होता है, बट यहाँ सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई मीन्स 10^2 से मल्टीप्लाई, अभी हो गया सेंटीमीटर में, तो ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 10^-13 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। तो ये याद रखना, ये 10^-15 मीटर्स में है। ठीक है, सेंटीमीटर में 10^-13 सेंटीमीटर हो जाएगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, तो यहाँ पे पूछ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट नहीं पूछ रहा, देखना ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फर्क होता है। ठीक है, इट इज द सर्कुलर, सॉरी ये पाथ होगा यहाँ पे। ठीक है, इट इज द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एलिप्टिकल शेप्ड ऑर्बिट होता है क्या, ये थ्री डिमेंशनल फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस होती है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल वो जगह होती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के आगे पीछे शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, ठीक है, शेल्स में वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स में होते नहीं है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये है, ऑर्बिटल कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, कोई पाथ नहीं है, ऑर्बिटल एक वो रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन उस स्पेस पे होगा। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरे शेल में से सिर्फ कुछ खास जगह ही होती है, मैक्सिमम टाइम उसी जगह पे रहता है, पूरे शेल में से एक खास जगह होती है, मैक्सिमम टाइम उसी जगह पे रहता है, उस खास जगह को हमने नाम दिया ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज नथिंग, इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिट इन एम शेल, तो जो भी आपको याद रखना है न्यूक्लियस के आगे पीछे जो शेल्स होते हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, फर्स्ट शेल को के, सेकंड को एल एम एन एंड सो ऑन। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एल एम सॉरी के एल एम एन ओ
एंड सो ऑन, ठीक है। या नंबर से भी हम इनको कभी कभी डिनोट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर नंबर सेकंड नंबर टू की बात करूँ, अगर सेकंड शेल की बात हो रही है तो समझ जाना एल शेल की बात हो रही है, थर्ड शेल की बात हो रही है मतलब एम शेल की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो उसकी कैपेसिटी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है 2n² उसका क्या फॉर्मूला 2n² वेयर एन इज द वैल्यू ऑफ दैट शेल, ठीक है। सो यहाँ पे किस शेल का पूछ रहा है, एम शेल, और एम शेल मीन्स एन की वैल्यू उसके लिए 3 हो जाएगी, 3 यहाँ पे पुट करोगे 2 × 3² 9, 9 × 2 = 18। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिट इनटू एम शेल इज 18। तो किसी भी शेल का निकाल सकते हो बस इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू। सो के शेल के लिए कितने हो जाएंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो के शेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होल्ड कर सकता है वो 2। एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए 18 आ जाएगा। फिर 4 पुट करोगे एन के लिए 32 आ जाएगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, अगर वो 4 क्वांटम नंबर्स हमें पता चल जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की पूरी एड्रेस पूरी लोकेशन मिल जाती है, ठीक है। वो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरा हमको मिल जाता है, उसका शेप, उसका शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पिन क्या है। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की, शेप, साइज, ओरिएंटेशन एंड स्पिन, ये 4 नंबर्स हमें वो बताते हैं। उनमें से 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें बताता है साइज, ठीक है। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें बताता है शेप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स आइसोबार। तो अभी मैंने बताया आपको आइसोबार क्या होता है, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो एटॉमिक नंबर ही सेम है छोड़ दो, सेकंड में भी एटॉमिक नंबर ही सेम है छोड़ दो, थर्ड में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर भी सेम है। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। क्वेश्चन नंबर 10, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिव्स दी वैल्यू ऑफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड किया था, इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया था हमने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड किया था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई की वैल्यू फाइंड की थी। सो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, ये जो ई बाई एम रेशो, ये कैसे फाइंड किया था, एक्चुअल में क्या था, ई बाई एम रेशो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेशो पहले से कैलकुलेट कर ली थी जे थॉमसन ने, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी, इसको यूज़ करके फिर हमने मास भी फाइंड किया। देखो मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें ई की वैल्यू मिल गई वो, और ये वैल्यू हमें पहले से पता थी, ये किसने कैलकुलेट की थी, ये रेशो ई बाई एम रेशो, ये की थी जे थॉमसन ने। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करके यहाँ से फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो मैंने अभी आपको बताया एनोड रेज मतलब एनोड रेज होती है पॉजिटिव चार्ज रेज विच रिप्रेजेंट्स द प्रोटॉन्स, ठीक है। उनका फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन्स होता है। सो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, वही इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ठीक है। ये गोल्ड होगा, यहाँ पे जी होगा, ठीक है। सो सी व्हाट इज योर आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, उसमें अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी आती हैं, और बीच में विजिबल विबगार भी आता है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें दिख सकता है, ठीक है। ये रेज वी कैन नॉट सी दीज रेज बट वी कैन सी दी विजिबल लाइट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इसमें उसमें आपको बताना है मैक्सिमम वेवलेंथ। सो जो मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी होती है वो आपको याद रखना है रेडियो वेव्स की, ठीक है। और जो मिनिमम होती है, आप मैक्सिमम भी याद रखो और मिनिमम याद रखो, दैट्स इट, मिनिमम होती है गामा रेज की, ठीक है। सो मैक्सिमम आगे रेडियो वेव्स की और मिनिमम गामा रेज की। इनका रेंज क्या होता है, पहले आती है रेडियो वेव्स, देखो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ये वेवलेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये याद रखना। फिर माइक्रोवेव्स, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंफ्रारेड, नेक्स्ट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, विजिबल लाइट जो हम देखते हैं, ठीक है, विजिबल, इसमें 7 कलर आएंगे, विबगार वाले, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, वो सारे, ठीक है, विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, देन आपका आएगा एक्सरे, देन लास्ट में आपका आएगा गामा रेस। सो ये आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितनी तरह की रेडिएशंस होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेस। सो इसमें आपको याद रखना है पहला नाम और लास्ट वाला नाम, दैट्स इट। सो ये आपका आ गया वेवलेंथ का ऑर्डर। तो वेवलेंथ मैक्सिमम अगर पूछे रेडियो वेव्स की, मिनिमम पूछे गामा रेज की। अगर मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, वेवलेंथ के, तो उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी गामा रेज की और मिनिमम हो जाएगी आपकी रेडियो वेव्स की, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना स्पेक्ट्रम इस तरह से। बट ये मैंने किसका लिखा है, ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये मैंने जो लिखा है इसको याद रख लेना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। दिस इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, क्योंकि मैक्सिमम को तो पहले लिखा ना, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो पहले गामा रेज आएगा, फिर एक्सरेज आएगा, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स एक्सेप्ट। तो न्यूट्रॉन्स हर एक एटम में होते हैं, सिर्फ एक एटम में नहीं होते हैं, विच इज हाइड्रोजन। तो मैंने आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप अभी बताया, 3 आइसोटोप बताया ना, ये आ गया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। फिर मैंने बताया था कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं 1 - 1 कितना 0, सो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है। सो एक ये वाला आइसोटोप हाइड्रोजन का ऐसा होता है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, बाकी कोई भी एटम ले लो दुनिया में उसमें न्यूट्रॉन हो गई होगा, एक ही एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। सो हाइड्रोजन, इसको हम प्रोटीन भी बोलते हैं और हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसको ड्यूट्रियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 14, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, तो जो बोर मॉडल ऑफ एटम है, ये जितने भी मॉडल ऑफ एटम है इनके आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, डेल्टन से, फिर थॉमसन का मॉडल, डेल्टन ने तो जस्ट थ्योरी दी थी, कोई मॉडल नहीं दिया था, फर्स्ट मॉडल जो एटम का दिया था वो थॉमसन ने दिया था, याद रखना, ठीक है, जिसमें उसने बोला था कि वाटरमेलन की तरह एटम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे सीड होते हैं वाटरमेलन के, और जो रेड कलर का होता है उसमें बाकी सारी स्पेस होती है। सो उसके बाद फिर आपको पता है रदरफोर्ड का मॉडल, फिर लास्ट में बोर मॉडल, ठीक है। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू, आपको याद रखना है, ये ऐसे एटम्स के लिए ये मॉडल जो है एप्लीकेबल है, वैलिड है, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, बस दैट्स इट, यही है इसकी एप्लीकेबिलिटी, यही है इसकी वैलिडिटी, ठीक है। बाकी ऐसे एटम जिनमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसमें बोर थ्योरी पूरी तरह से वैलिड नहीं होती। सो एक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ लिखा है हीलियम, तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज, लेकिन ऊपर प्लस भी है, हीलियम का एटॉमिक नंबर आ गया 2, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2, लेकिन ऊपर प्लस है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी वैलिड है। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बट 2 पॉजिटिव लिखा है, दैट मींस 3 - 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं ना, टोटल 3 थे, दो लूज किए हुए तभी उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1, तो तीनों के लिए वैलिड है, दैट इज डी, व्हाट इज योर आंसर, ठीक है, तीनों के लिए वैलिड। तो आपने इतना याद रखना, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एटम्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ऑल द एटम्स आर आयंस, आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 15, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है किसके रिलेटिव में, रिलेटिव टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो होता है 1/1837 टाइम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का इतना कम मास होता है, ठीक है, 1/1837 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसलिए इसके मास को हम मास नंबर में लेते ही नहीं, इसके मास को इग्नोर कर। आपको ये एक्जैक्ट वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का कितना और न्यूट्रॉन का कितना, और तीनों पे चार्ज कितना है। क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम में एक उसने एक पॉइंट दिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू एन टाइम एन इंटीगर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, दैट इज एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, सो MVR इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³⁴ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी यूनिट भी अच्छे से याद रखना और ये वैल्यू भी याद रखना, ठीक है। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन, तब क्या होगा, अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर, एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, एक्चुअल में क्या होता है, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया शेल्स, ठीक है। अब इन शेल्स की कुछ प्रॉपर एनर्जी होती है, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, फॉर एग्जांपल इस शेल की एनर्जी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, हम ऐसे मान रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इंक्रीज होती है एनर्जी, ठीक है, जब सबसे बाहर शेल होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, आपको याद रखना है। ये अगर न्यूक्लियस है आपका, तो पहला शेल को हम क्या बोलते हैं, पहले शेल को हमने के से डिनोट किया, फिर एल, सेकंड शेल एम, एन एंड सो ऑन, है ना। सो इनकी जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, याद रखना, आपकी के की सबसे कम एनर्जी होगी, फिर एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, और एन की उससे ज़्यादा, मतलब इंक्रीज होती है, ठीक है। जो पहला ऑर्बिट होगा, जो पहला शेल होगा, उसकी एनर्जी सबसे कम, दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक हायर ऑर्बिट, मतलब बाहर वाले ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन अगर अंदर वाले ऑर्बिट में आएगा तो क्या होगा, तो क्योंकि जब वो बाहर वाले शेल में था तो उसके पास एनर्जी थी 30, अगर 30 से उसको 20 पे आना है तो 10 एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, तो जब भी 20 पे आएगा तो 10 एनर्जी वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सो एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब कहने का मतलब, इसमें आपको दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, एक तो शेल्स के एनर्जी का ऑर्डर, जो सबसे अंतर शैल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम, बाहर वाले की ज्यादा, उससे बाहर वाले की उससे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से चलता है। दूसरी बात, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट पे जंप करेगा एनर्जी रिलीज होगी, और इसका उल्टा भी होगा, अगर बाहर वाले अंदर वाले ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जाता है तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि इस यहां पे जब इस शैल में था तो उसकी एनर्जी 20 है, अगर इस शैल में जाना तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए 30, इट मींस इसको पहले 10 एनर्जी मिलेगी, 10 एनर्जी ये अब्सॉर्ब करेगा, फिर जाके ये बाहर वाले शैल में जाएगा। सो दो प्रोसेस होते हैं, अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, अगर इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में गया तो अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, तो ये आपको एक एलिमेंट दिया है जिसका आपको देखो एटॉमिक नंबर भी दिया है और मास नंबर भी दिया है, एटॉमिक नंबर इसका 38 है, मास नंबर 90 है, बट इस पे प्लस 2 चार्ज है, दैट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हुआ है। सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। देखो इसका अगर यहाँ पे 38 लिखा है, इट मींस इसका एटॉमिक नंबर जो आपका हो जाएगा दैट इज जेड, वो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 38। अगर मैं इसको बोलूँ एटॉमिक नंबर 38 है तो इट मींस वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं 38 है, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो वो कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 90 - 38 विच इज इक्वल टू 52। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो यहां पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यूजली जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 38 तो इलेक्ट्रॉन भी 38 होने चाहिए, बट वो न्यूट्रल एटम में होता है, ये आयन दिया हुआ है प्लस 2, दैट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, सो अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 38 - 2 विच इज 36। ओके, तो अब देखते हैं क्या क्या ट्रू है, क्या इसका एटॉमिक नंबर 36 है, मैंने बता दिया आपको एटॉमिक नंबर, जो नंबर यहाँ पे होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, उससे चार्ज वो आयन हो या न्यूट्रल एटम हो वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो ये तो गलत हो जाएगा, एटॉमिक नंबर तो 38 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 38 है वो मैंने अभी बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, 38 तब होता अगर इस पर ये चार्ज ना होता, ये न्यूट्रल एटम होता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 52, यस
ये यहाँ पे हमने निकाला, सो ये भी ये आपका करेक्ट है, ट्रू है. नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 38, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 38 ही है, ये भी ट्रू है. दैट मीन आपका आंसर हो जाएगा 3 and 4, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर. तो इस तरह से अगर आपको एटम दिया तो आप इस तरह से उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो 90 - 38 मतलब ए माइनस एड करना आपको, ठीक है. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूट्रल आइटम है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज है प्लस का जितना चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर नेगेटिव का चार्ज है जितना है तो वो प्लस हो जाएगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है. उसके बाद एक बात और याद रखना, ये जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ये दिया था मोज़ले ने, ठीक है. ये इनका नाम याद रख लेना, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है. एटॉमिक नंबर, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर जो है ना वो मोज़ले ने दिया था, और इन्होंने ही बोला था कि हमने क्या करना है, एटम्स को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है. एटॉमिक नंबर्स के पहले एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई थी किसकी, एलिमेंट्स की. फिर मोज़ले ने कहा था नहीं एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको अरेंज करना चाहिए. फिर बाद में उसी को यूज़ करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना गया. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो तो एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया गया हुआ है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टू टू. तो क्या कह रहा है, कौन सा रूल है जिसके मुताबिक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते. सो ये आपको होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर. पॉलीज होगा ये PAULIS, ठीक है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है मैंने बता दिया आपको, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है. सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते. ये कौन कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इसकी एक स्टेटमेंट और भी है इस प्रिंसिपल की. एक स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट तो ये आ गई कि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो ही आएंगे किसी भी ऑर्बिटल में. दूसरी इसकी स्टेटमेंट ये है, इसी को अगर मैं उल्टा करके बोलूं तो जो फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों नंबर सेम नहीं हो सकते. अगर तीन नंबर सेम है तो चौथा नंबर मस्ट बी डिफरेंट. और चौथा नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है, ठीक है. या तो स्पिन आप दो ही तरह की होती है, या तो स्पिन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज स्पिन को इस तरह से हम डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो से, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है. सो इसलिए अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के तीन जो पहले तीन जो क्वांटम नंबर अगर वो सेम हो भी गए तो चौथा मस्ट भी डिफरेंट होगा. ये कहता है पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स. और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिट इन टू एन ऑर्बिटल इज टू, ठीक है. आपको ये अबू प्रिंसिपल भी आना चाहिए, ठीक है. और ये हंग्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी आना चाहिए. क्या होता है इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो बस, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे यू होगा, ठीक है. अबू प्रिंसिपल क्या कहता है, अबू प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब भी हम ऑर्बिटल्स में अरेंज करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. इट मींस जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. और हंग्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी सबशेल में, किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो. ये कहता है हंग्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. क्या मतलब हो इसका, मैंने आपको बताया कि शेल्स के नाम हमने कैसे दिए, अल्फाबेट से LMNOP, ये आगे मैन शेल्स के नाम. फिर इन शेल्स को हमने फर्दर डिवाइड किया सब शेल्स में, जिनको बोलते हैं, जिनको डिनोट किया हमने SPDF से. ये सब शेल्स होते हैं. फिर इन सब शेल्स के कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है. अगर सपोज मैंने ले लिया कौन सा सबशेल, पी सबशेल, तो पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं. कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन. तो सपोज मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, अगर चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा इसके साथ नहीं आएगा. ये रूल कहता है हंग्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के, पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी. तीन आगे, अब फोर्थ वाला अगर होगा तो वो यहाँ पे आएगा, फिफ्थ वाला यहाँ पे आएगा, सिक्स्थ वाला फिर यहाँ पे आएगा. तो पेयरिंग तब स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की इन एन ऑर्बिटल इन दी सेम सबशेल व्हेन ईच ऑर्बिटल गॉट वन इलेक्ट्रॉन. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी ऑफ सन. तो सन में क्या होता है, इज ड्यू टू, सन में होता है फ्यूजन, हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और बनता है हीलियम. सो बी पार्ट इज योर आंसर, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम. इफ ये द टॉप 20 एमसीक्यू ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपको फॉरेस्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है. और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड प्लीज गो थ्रू दी प्लेलिस्ट, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है. जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल साइंस के सारे टॉपिक एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के मॉक टेस्ट भी अपलोडेड है. सो प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.